हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़ा। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और अंदर तक आपका जो दही बड़ा है वो अंदर तक सॉफ्ट बनेगा, फ्लफी बनेगा, जालीदार बनेगा। तब कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल खट्टा मीठा स्वाद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह डेली न्यू कुकिंग का वीडियो सीखने के लिए और रिव्यू वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली आपको रिव्यू वीडियो और कुकिंग का वीडियो दोनों मिलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। तो आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लजीज बना हुआ है ना। तो इस तरीके से आप दही बड़े बनाइएगा ना, तो यकीन मानिए आपको बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का भी, क्योंकि इतना आसान बनाना है कि आप जब चाहे तब बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो उसके लिए पहले हम लेंगे उड़द की दाल। उड़द का दाल हम एक कप लिए हैं। यार क्वांटिटी में आपको बता दें तो 100 ग्राम हम उड़द का दाल लिए थे, जिसको भिंगा दिए 3 घंटे के लिए। ये छिलके वाली उड़द का दाल है, जिसको अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं। ये घर पे मेरे रहता है, क्योंकि ये हम लोग के घर पे होता है, इसलिए ये छिलके वाला उड़द का दाल है। आप विदाउट छिलके वाला भी उड़द का दाल ले सकते हैं। और इसे अच्छे से 3 घंटे से 4 घंटा भिंगा दीजिए, उसके बाद धो लीजिए, तो इसका सारा छिलका जो है उतर जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस तरीके से, और बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसे अच्छे से धो के छान लिए हैं और आप देख सकते हैं फूलने के बाद इसका क्वांटिटी डबल हो जाता है। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं, ये फूलता है पानी में जाने के बाद। तो इसे धो के साफ कर लिए और इसके बाद एक मिक्सी का जार लिए, इसमें सारा डाल देते हैं। आपको दही बड़ा जितना बनाना है उसके अनुसार आप इसे भिंगो लीजिए, 3 से 4 घंटे भिंगा दीजिए, उसमें अच्छे से ये फूल जाता है। आप चाहे तो पूरी नाइट भी रख सकते हैं, पर 3 से 4 घंटे में ही अच्छे से फूल जाता है। हम पूरी नाइट नहीं रखे थे, 3 से 4 घंटे में इसे फुला लिए। फुलाने के बाद मिक्सी के जार में डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, ज्यादा पानी डाल के नहीं पीसेंगे। आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ताकि जो है मिक्सी का जार अच्छे से पीस जाए, इसे चलने में प्रॉब्लम न हो मशीन को, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर पानी विदाउट पानी का पीसेंगे तो मोटर जो है जल जाएगा, वो पीसेगा नहीं। तो पीसने के बाद इसे हम निकाल लिए हैं, और ये देखिए निकालने के बाद थोड़ा सा लिए काली वाली मिर्च, जीरा, और इसको इसे साबुत ही डाल दिए थोड़ा सा क्रश करके, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस तरीके से। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 छोटी चम्मच नमक, और साबुत जीरा डाले हैं, और मिर्च को थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कर लिए हैं। इसमें डाल देंगे हींग। हींग सबसे जरूरी है, क्योंकि हींग पाचन शक्ति है, और जो उड़द का दाल होता है उसमें हींग डालना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए हींग थोड़ा सा डाल दीजिएगा। उसके बाद डाल देंगे भुना हुआ जीरा टेस्ट के लिए, और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसे मेंदू बड़ा हम बोलते हैं। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से आपको इसे फेंटना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि जितना ही अच्छे से हम इसे फेंटेंगे ना, उतना ही हमारा जो है बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी और जालीदार सॉफ्ट अंदर से बनेगा दही बड़ा। क्योंकि दही बड़ा हम बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम दही बड़ा बनाए ना, तो वो दही के अंदर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसलिए उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि दही बड़ा बनाइए तो उसको बहुत अच्छे से फूलना चाहिए। इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिए, और फेंटने के बाद इस तरीके से आप पहले पानी ले लीजिए एक बॉल में, और ये डालिए इस तरीके से। आप जब डाल के इसे देखिएगा, जब ऊपर तैरने लगेगा ना, तो ये सबसे परफेक्ट पहचान होता है दही बड़ा बनाने का, कि जो हमारा दही बड़ा है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। जब आपका नीचे बैठ जाता है तो मान लीजिए कुछ और भी अच्छे से फेंटना है, तो हम इसे जब पानी में डाले हैं तो ये बिल्कुल आसानी से ऊपर आ जा रहा था। उसके बाद हथेली में थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से लेके थोड़ा सा इसे बीच में होल्स कर दिए हैं, और देख रहे थे कि थोड़ा सा भी ये फैल रहा था हल्का सा, तो इसमें हम थोड़ा सा डाल दिए चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा पड़ा हुआ है तो डाल दीजिए, उससे जो है क्रंची बनता है, इसलिए हम चावल का आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विदाउट चावल का आटा डाले हुए भी बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डाल दिए 1 कप से भी कम चावल का आटा, जो छोटा वाला कप आता है ना उससे, यानी हम आपको बताएं तो 4 बड़े चम्मच खाने वाले चम्मच से चावल का आटा डाल दिए। अगर आपका इस तरीके से अगर कभी बेचानस अगर आपका बैटर जो है ज्यादा गीला हो जाए, तो आप चावल का आटा डाल के उसे बना सकते हैं। उसमें कोई टेस्ट में आपको चेंजिंग नहीं होगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो इसलिए चावल का आटा आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो बिना चावल का आटा मिक्स किए हुए बना सकते हैं, पर हम चावल का आटा इसमें मिक्स किए हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हथेलियों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और बीच में होल्स कर दीजिए, और ऐसे गर्म गर्म तेल में इसे डाल देना है। बहुत ज्यादा गर्म भी तेल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए तेल को। और इस तरीके से बीच में होल्स करिए और धीरे से नीचे कर दीजिए, तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये तेल में चला जाता है। तो अगर आपको इसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हथेलियों में अच्छे से पानी से लगा के उसके बाद इसमें थोड़ा सा बैटर लेके आप पेन ले लीजिए, पेन से इसमें बीच में होल्स कर लीजिए, और ये देखिए बीच में अच्छे से हम इसे होल्स कर लिए हैं, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो कितना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक रहा है। इसी तरीके से आपको पकाना है बड़े को, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म तेल में आप इसे पकाइएगा और ज्यादा हाई फ्लेम पे पकाइएगा तो ये सॉफ्ट बनेगा नहीं अंदर से ऊपर से, क्योंकि बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, फुला फुला नहीं बनेगा। तो इसलिए हम वीडियो को लंबा थोड़ा कर दिए हैं, आपको कट नहीं किए हैं, एक भी चीज स्किप नहीं किए, पूरा टोटल एक एक चीज आपको बताते
जा रहे हैं ताकि आप इजीली घर पे बना सके आसान तरीके से। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपका परफेक्ट बने दही बड़ा। तो इस तरीके से आप जो मन चाहे ना वो शेप दे सकते हैं दही बड़ा का। अगर आप चाहे गोल वाला दही बड़ा जो बनता है अगर उस तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी चैनल पर मेरे वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि गोल वाला हम दही बड़ा कैसे बना सकते हैं। तो हम सोचे कुछ अलग तरीके का दही बड़ा आप लोग को शेयर करते हैं बना के, कि आप बनाइए, देखने में भी कुछ यूनिक लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही, क्योंकि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और जैसे ही हल्का से ये एक तरह से पक जाएगा ना तब इसको दूसरी साइड पलटी कर दीजिएगा। पलटी करने के बाद इसे आपको 2 मिनट तक पकाना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। तो ये देखिए हम चारों तरफ से उलट पलट के इसको अच्छे से पका लिए। टोटल इसे हमें पकने में लगा है 4 मिनट। 4 मिनट में जो है दही बड़ा हमारा बहुत ही टेस्टी और यम्मी और बहुत ही कलरफुल बनके तैयार हो जाता है। तो आप देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है, कलरफुल बना हुआ है। बाकी का जो बना हुआ बड़ा है बिल्कुल सारे बड़े को इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए फिर से उसी ऑयल में बड़ा इसी तरीके से डाल रहे हैं, और थोड़ा सावधानी से डालिएगा क्योंकि इसमें जो होल्स होता है ना वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। तो एक एक करके थोड़ा सावधानी से डालिएगा ना तो इसमें जो होल्स है बहुत अच्छे से बनेगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से सारे बड़े को हम पहले फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं, और तल के सारे बड़े को निकाल कर उसके बाद आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं कि इसे हम कैसे सजा सकते हैं। तो पहले एक लिए खाली सा बोल और जो बड़ा बनाए थे ना वो एक एक करके सारा बड़ा रख देंगे इस तरीके से। और ये अब देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, मुंह में पानी आ जाएगा। आप चाहे ना तो इस तरीके से आप टोमेटो केचप या ऐसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से 4 हम बड़ा रख लिए हैं, इसके ऊपर डाल दिए फेटा हुआ दही। तो आपको लेना है दही जो घर पे आपका नॉर्मल सा दही रहता है, वो बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं, और उसको फेट लीजिए थोड़ा सा। तो हम चम्मच की सहायता से इसे फेट लिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं किया और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं किया। और आपको बस इतना दही डालना है कि अच्छे से जो है ढक जाए, बहुत ज्यादा नहीं डालना है इसमें। और ये देखिए देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा आप सोच सकते हैं। इसे अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे दही डालने के बाद, फिर इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे। पहले इसमें डालेंगे हम चटनी, और ये चटनी कौन सा है और हम इसे आप लोग के साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुके हैं इस चटनी का, ये मेंदू बड़ा का चटनी है। मेंदू बड़ा का चटनी आप घर पे कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी चटनी लगता है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा गाइस, यकीन मानिए ये जो मेंदू बड़ा वाला चटनी है ना एक बार आप जब बना के खाइएगा ना तो बार बार बनाने का आपका जी करेगा, ये मेरा 100% आप लोग से वादा है। इसके बाद डाल देंगे इमली का चटनी, जो खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है ना वो डाल दिए थोड़ा सा। उसके बाद डाल दिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ताकि तीखा और खट्टा मीठा दोनों स्वाद आए। और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा इसके ऊपर से चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, सफेद नमक, और सबको थोड़ा थोड़ा करके डाल के। और ये देखिए हमारा जो है दही बड़ा घर पे बन के सॉफ्ट सॉफ्ट और यम्मी यम्मी बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से बनाइए, खिलाइए सबको और बहुत सारा प्यार पाइए सबसे। और ये देखिए कितना देखने में यम्मी लग रहा है ना, टेस्टी। तो इस तरीके से आप कब बना रहे हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके घर में किस किस को पसंद आया वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट प्रियंका डीसीबी चैनल पे इसी तरीके से देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बाय बाय।